आज हम सोशियोलॉजी में चैप्टर 5 में पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया पे लोगों की स्टडी करना, जो एक पर्टिकुलर एरिया पे जितने भी लोग रहते हैं उनके बारे में स्टडी करना, उसको हम एक पॉपुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक है सोसाइटी एंड पॉपुलेशन। सोसाइटी एंड पॉपुलेशन में किस तरह से कनेक्टिविटी है? सोसाइटी एंड, जैसे कि हम एक पॉपुलेशन के लिए स्टडी के लिए हम क्या पढ़ते हैं? डेमोग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक में क्या रहता है कि जो भी उसका रेशियो, जो भी कंपोनेंट है, वो सारे किसके अंदर आते हैं? डेमोग्राफिक के अंदर। नेक्स्ट है जो डेमोग्राफिक है वो हमारा सोसाइटी के बारे में स्टडी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट इसमें टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में क्या है? फर्स्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो हम देखेंगे कि इन इंडिया या इन वर्ल्ड में कि सेक्स रेशियो क्या है, मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो कितना है, उसके बारे में हम स्टडी पढ़ते हैं। किसमें करते हैं? सेक्स रेशियो में। नेक्स्ट होता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हम देखते हैं कि एक एरिया या किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया है हम 1 किलोमीटर में डेंसिटी रहता है कितना, 324 पीपल्स रह सकते हैं कितने एरिया में, 1 किलोमीटर्स में। नेक्स्ट है फैमिली साइज़। एक जनरली हम देखते हैं कि फैमिली साइज़ कितना होना चाहिए, तो नॉर्मली जो हम आज के टाइम पे देखते हैं जॉइंट फैमिली होती है और आप न्यूक्लियर, तो न्यूक्लियर फैमिली का एक एवरेज देखा जाए तो कितना रहता है, 3। और अगर जॉइंट का देखा जाए तो उनका सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका डिपेंडेंट रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है कि कितने लोग फैमिली पर डिपेंडेंस रहते हैं। अब 65 से अब होते हैं जो भी फैमिली पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट बिलो 15 ईयर जो भी किस पर हैं, फैमिली पर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि एक आयु सीमा कि लोग हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में देखें कि लोग कितनी एज तक जीवित रहते हैं। जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो एक मैक्सिमम एज मानी जाती है 60 to 65 का क्या रहता है, लाइफ एक एवरेज रहता है। नेक्स्ट हम अगर नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे क्या, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इंडिया में पॉपुलेशन किस बेस पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है आपका कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि एक सेक्स रेशियो बोल सकते हैं या उसमें एक एज बोल सकते हैं या एक कोई भी ग्रुप ऑफ, ये सब किसके अंदर आते हैं, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट होता है आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसकी डेंसिटी के बेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसके बेस पे भी। ये इसका नेक्स्ट आपका होता है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन में ये देखते हैं कि इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने लोग गांव से शहरीकरण हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण या गांव से शहर में शिफ्ट होना। तो एक इसके बेस पे भी हम डिस्ट्रीब्यूट किया है कि लोग कितने लोग गांव से शहरों में जाकर शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट है आपका लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो लिटरेसी और एजुकेशन रेट के क्या लिटरेसी रेट है और क्या एजुकेशन रेट है प्रेजेंट टाइम में। तो इन 1951 में देखा गया तो जो लिटरेसी रेट था 18.33, तो ये था कि एजुकेशन का लेवल या लिटरेसी रेट था कितना था 18.33। बट प्रेजेंट अभी 2001 में स्टडी किया जाए, इसके बारे में पूरा स्टडी किया इन इंडिया, तो कितना निकला था 65.33 लिटरेसी रेट था। देन है आपका कास्ट। कास्ट के बेस पे भी क्या किया है, एक ग्रुप को डिवाइड किया है। जैसे कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कास्ट हैं, उनके बेस पे भी एक क्या किया है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग मैरिज। ड्यूरिंग मैरिज में क्या रहता है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज का मतलब होता है कि किसी एज में हमें स्टडी करना है, एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कपल्स के मैरिज टाइम के बारे में देखते हैं और हम उनके रेशियो के अकॉर्डिंग हम उन्हें फैमिली प्लान, चाइल्ड बर्थ के बारे में एक पर्टिकुलर नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे, माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। तो माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, एक माल्थेशियन साइंटिस्ट ने, उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रेजेंट की थी किसके बेस पे, फूड। अगर ऐसे ही अगर कंटिन्यू पॉपुलेशन बढ़ता गया तो एक टाइम पर क्या होगा, एरिया में फूड की सप्लाई की कमी आने लगे। उन्होंने एक फूड के बारे में बताया कि अगर ऐसे ही कंटिन्यू अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ होता गया या कोई भी इंक्रीज नहीं किया पॉपुलेशन ग्रोथ को, तो एक टाइम क्या होगा, फूड और पॉपुलेशन का बैलेंस क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। उन्होंने 2 टाइप्स के चेक्स दिए थे, पहला है प्रिवेंटिव चेक, सेकंड है पॉजिटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक, जैसे कि हम पॉपुलेशन की ग्रोथ को फर्स्टली कैसे रोक सकते हैं, अपनी नॉलेज या अपनी अवेयरनेस के अकॉर्डिंग, जैसे कि फैमिली प्लानिंग वगैरह करके। नेक्स्ट होता है आपका पॉजिटिव चेक, सेकंड का है आपका पॉजिटिव चेक। जैसे कि अगर एक टाइम पर अगर पॉपुलेशन कंटिन्यू इस तरह ही ग्रोथ करता गया या कोई भी पॉपुलेशन में इस तरह ही बढ़ता गया, तो क्या हुआ, एक ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं कभी ना कभी नेचर इस टाइप की एक वॉर वगैरह या अर्थक्वेक वगैरह या फ्लड्स वगैरह आएंगे, जिससे या महामारी टाइप की हो सकती है, जिससे कि एक फूड के लेवल और पॉपुलेशन के लेवल को क्या किया जाएगा, नॉर्मल एक बैलेंस में लाया जा सकता है। इन्होंने अपनी थ्योरी बस यही बताया कि हम किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और फूड की किस तरह से कमी आ रही है और हम उस चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए उन्होंने 2
चेक्स दिए थे वो थे प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है जनसंख्या वृद्धि। प्रेजेंट टाइम पे हमारी इंडिया या हर कंट्रीज में देखा जाए तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ कर रहा है। तो इसमें बताया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है कि एक तरह से अचानक या सडनली क्या करना, पॉपुलेशन का ग्रोथ करना, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या क्या कारण है या किस किस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने के चांसेस या किस वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। कॉजेज में फर्स्ट है ग्रेट एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रेजेंट टाइम पे क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस है या बहुत ज़्यादा चेंजेज आ गया, जिससे क्या हो गया है बहुत बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे लोगों की डेथ रेट क्या हो गई है कम हो गई है और बर्थ रेट इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट इसमें सेकंड है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ जैसे कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ी है इसकी वजह से लोगों की जो लाइफ क्वालिटी है वो क्या होगी, काफ़ी बेटर होगी। सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हर फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या है उनको किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी डिसीज में ईजिली ट्रीटमेंट मिल जाता है और अच्छे से वो लाइफ को स्पेंड कर पा रहे हैं और उनका लाइफ का डेथ रेट कम हो गया। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्या है, उनकी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में बहुत ज़्यादा मिलने लगी है, जैसे कि CSC, PSC और सब सेंटर वगैरह, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इस तरह के सारे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, जिससे कि लोगों को अच्छी से अच्छी बेटर से बेटर ट्रीटमेंट और अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके। और नेक्स्ट काफ़ी टाइप्स के प्रोग्राम भी स्टार्ट किए हैं इंडिया गवर्नमेंट से, सभी गवर्नमेंट्स ने, जिससे कि हम लोगों की हेल्थ लेवल को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा और बहुत बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट इन डिक्रीज डेथ रेट ऑटोमेटिक, ये सारी सुविधाएं होने की वजह से, इस तरह की फैसिलिटी होने की वजह से क्या हो गया, डेथ रेट ऑटोमेटिक कम होता जा रहा है। नेक्स्ट वन है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी सच एज वैक्सीन। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा साइंस ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है, जिससे हमारे लिए काफ़ी टाइप्स की ड्रग्स वगैरह स्टडी या डिस्क वगैरह ऑर्गेनाइज किए, जिससे हम किसी भी डिसीज से ईजिली क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं और हम लोग अपनी इम्यूनिटी पावर को ईजिली ग्रोथ कर सकते हैं, जिस वजह से क्या हो गया, डेथ रेट भी कम हो गया। नेक्स्ट है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का एजुकेशन लेवल अच्छा होने की वजह से और अर्बनाइजेशन होने के कारण उनका लाइफ स्टाइल या लाइफ रहने का तरीका बहुत बेटर, बहुत अच्छा हो गया, जिसकी वजह से उनकी डेथ रेट कम होने लगी है। ये सब कारण थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, किस तरह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, ये सारे कॉजेज थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। तो फर्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ लैंड। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है तो क्या होता गया, स्पेस की कमी आती जा रही है। नेक्स्ट है आपका फ्यूल एंड एनर्जी प्रॉब्लम। अगर ऐसे ही कंटिन्यू पॉपुलेशन में ग्रोथ होता रहा तो क्या होगा, एक टाइम पर धीमे धीमे या अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएगा, फ्लूड और एनर्जी में फ्यूल मतलब होता है गैसेस, पेट्रोल वगैरह, ये सब की धीमे धीमे क्या होती जा रही है, कमी होती जाएगी जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ता जाए। क्योंकि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन के यूज मटेरियल का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्यूल की कमी आती जा रही है। नेक्स्ट है हाउसिंग प्रॉब्लम। अगर ऐसे पॉपुलेशन कंटिन्यू बढ़ता रहेगा तो क्या होगा, लोगों के लिए हाउसेस की बहुत ज़्यादा कमी होगी या उनके लिए रहने के लिए स्पेस की बहुत ज़्यादा कमी होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैफिक प्रॉब्लम। इसी तरह कंटिन्यू अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो लोगों को सफ़र करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, उन्हें कहीं पे भी ट्रेवल करने में काफ़ी टाइप की प्रॉब्लम से फेस करना पड़ेगा। एक शॉर्ट टाइम का जो सफ़र है उसे हम बहुत ज़्यादा टाइम में कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका फूड सप्लाई प्रॉब्लम। अगला क्या होगा, अगर इस तरह ही कंटिन्यू अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ होता रहा तो क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे पास है एरिया, उसमें क्या होगा, फूड की सप्लाई धीमे धीमे कम होती जाएगा। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई प्रॉब्लम, जो कि जैसे कि हमने देखा कि आज हमारे देश में देखा गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों के पास बहुत अच्छी सुविधाएं, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास फूड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है और रहने के लिए अच्छे घर भी अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्या कारण, इसका कारण यही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, इसलिए लोगों के लिए ये सारी सुविधाएँ अवेलेबल नहीं हो पा रही। नेक्स्ट क्राइम, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी भी बढ़ते जा रहे हैं, कि ये तीनों की वजह से क्या होता है कि अगर जैसे ही हमारे देश में अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉब नहीं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉवर्टी बढ़ रही है, साथ लोग इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, क्राइम करना स्टार्ट हो गया, लूटना, मारना, पीटना, इस तरह के कारण स्टार्ट होना हो गया, किसकी वजह से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से। और आज हम देख रहे हैं ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिले। अगर इस तरह से अगर पॉपुलेशन बढ़ता गया तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम का बहुत बड़ी तरह से सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इसलिए स्टार्ट किया था जिससे कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकें, साथ ही साथ हम क्या एक बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट ये था इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो फर्स्टली वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है, 1951 में, और ऐसा माना जाता है कि इंडिया में ये प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट
किया गया था। नेक्स्ट है इसके कंपोनेंट। कंपोनेंट में क्या क्या है कि फर्स्ट है फैमिली प्लानिंग, कि लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में अवेयरनेस करना, जिससे कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट होता है स्मॉल फैमिली नॉर्म। स्मॉल फैमिली नॉर्म जैसे कि आपने बेसिकली या नॉर्मली सुना होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, इस टाइप का नॉर्म्स को भी क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही साथ में इसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया, हर CSC PSC में ये सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं या फ्रीली प्रोवाइड की जा रही हैं, जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हम ईजिली क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं, मोस्टली परमानेंट और टेम्प्री टाइप्स के होते हैं। हमने पॉपुलेशन टॉपिक डील किया। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। थैंक यू।